अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज रात हो गई और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश का समय है और मैं बना रही हूँ चिकन नूडल। मैंने एक डेगची में लिया, थोड़ा सा बस डालूंगी क्योंकि वो तो नूडल में ऑलरेडी होता ही है। इससे पैकेट ही मैगी मैगी फिर सूप सूप वही बना रही हूँ। तो मैंने डाल दी है एक गंठी प्याज की, ऑनियन वन स्मॉल साइज, और ये थोड़ी सी लाल होगी तो फिर मैं इसमें चिकन डालूंगी। तो 2 मिनट के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। आफ्टर 2 मिनट ये मेरे पाक के टमाटर आए हैं पूरी एक ट्रे भर के, और 2 बैंगन भी हैं उसमें और 1 सेब भी है, बाकी 2-3 सेब हैं। और ये मेरे पाक के, तो मैं इसमें से 2 टमाटर ले लूँगी मैगी में डालने के लिए। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, हमें इसमें चिकन डालने वाले हैं। अभी मैंने चिकन डाल दी है लेकिन मैं इसको पलटूंगी नहीं, ये पूरी जब पानी छोड़ती है तो फिर अच्छे से पक जाती है। तो 2 मिनट तीन में से ढक रहे हैं, ओनली 2 मिनट ओनली। देखो थोड़ी सी ड्राई हो गई है, अब इसे चम्मच चलाऊंगी फिर ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें थोड़ा सा नमक क्योंकि मैगी के अंदर ऑलरेडी होता है। थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ इसमें टमाटर, थोड़ी सी मटर, सही तो ज़रा अच्छा सा रंग आ जाएगा। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी डाली ज़्यादा नहीं, कुरकुमा डाल दी है, थोड़ी सी चिली डाल दूँगी, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दूँगी। ये देखें कुटी मिर्च थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मिर्च हो जाएंगी, ज़्यादा तो फीकी फीकी होती है, चटपटी अच्छी लगती है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मटर और टमाटर, कितने अच्छे लग रहे हैं हरे पीले लाल। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ एक प्याला पानी ताकि ये अच्छे से गल जाए, और फिर मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। ये है नूडल सूप, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 किलो चिकन में, अभी ये अभी पक रहा है, 1/2 किलो चिकन में ये 3 पैकेट डालूंगी मैं, और तो 3 बंदे आराम से खा लेंगे। अब चिकन कदरे गल गई है तो मैं इसमें ये नूडल डाल दूँगी। अब मैंने इसके अंदर नूडल डाल दिए हैं और अब ये बची है ये पड़ियाँ, इसमें धनिया पता नहीं क्या मिर्ची वगैरह होती है, कुछ फ्लेवर होता है वगैरह टाइप का, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये भुनने लगा है इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी ताकि ये अच्छे से जो है गल जाए, क्योंकि अभी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। मैं डालने लगी हूँ इसमें 1 कप पानी ताकि हमारी ये जो मैगी है ये गल जाए और भुनी भुनी हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉस, अगर ज़्यादा सॉस डाल दो ना तो वो मज़े का भी इतना नहीं होता, लेकिन एंड में थोड़ा सा डालते हैं बस इतना सा, बहुत है सेहत के लिए बस। अभी मैं मिक्स करने लगी हूँ, अब मैं डालने लगी हूँ 1 कप पानी और, क्योंकि मैगी को गलना भी है और ये पानी सोक कर लेती है ज़्यादा, तो इसलिए 2 कप पानी डाल के अब हम इसको छुपा देंगे। तो हम चम्मच चला दें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और अच्छे से चारों तरफ से गल जाए, ऐसा ना हो कि ऊपर की करी रह जाए और अंदर से गल जाए, ठीक है। तो बस रेडी हो गया झटपट। और अगर चाहें तो आप बगैर मुर्गी की भी बना सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं, कीमे भी बना सकते हैं, और जिस दिन मैंने कीमा बनाया उस दिन मैं ये वाली भी आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। और अब हम पकाते हैं इसको 5 मिनट के लिए, फिर देखेंगे क्या आया ये कहाँ तक रेडी हुई, ठीक है। जब तक के लिए आप अपना बाकी काम कर लीजिए। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं देखना चाहती हूँ वाह कितनी अच्छी बन गई, और ये देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और पानी खुश्क हो चुका है और बहुत ज़्यादा सूखी सूखी नहीं रखना के भाई बात में, वो थोड़ा सा नरम भी अच्छी रहती है। ताइए अब हम इसके प्लेट में निकालेंगे। मैगी हो गई हमारी तैयार, ये असद की है, ये मौसम की है, और ये ना रेड ग्रेप्स आए हैं, और ये आम आप बताइएगा कि इसका क्या नाम है, और बहुत अच्छे हैं, अभी थोड़े से कच्चे हैं लेकिन मैंने इनको पाल लगाना है, और आजकल फ्रूट बहुत अच्छे अच्छे आ रहेंगे, और फल जो है जितना हो खाए वो ज़्यादा बेहतर है हमारी सेहत के लिए और सबसे बेस्ट है।
और आम तो मेरी बस क्या बताऊं मैं कि कितना मुझे पसंद है। अभी जरा पक जाएगा तो इसका फिर मिल्क शेक बनाऊंगी मैं, और बनाना भी आजकल जो गर्मी के मारे ना थोड़े से वैसे हो गए हैं बेकार से। और आई होप कि मैगी आपको अच्छी लगेगी, आप भी ऐसी बनाइए, जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा मसला नहीं है। चाहे तो आप चिकन का कीमे का भी बना सकती हैं, तो साथ साथ भी बना सकती हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी वगैरह डाली है तो इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है मैगी का, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी हल्दी अच्छी लगती है इसके अंदर। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा और जल्दी से भी बन जाती हैगी, 5-10 मिनट में। अगर रोटी खाने को दिल नहीं है तो आप आराम से ही बना सकती हैं। और रेड ग्रेप्स के बारे में यह है कि अगर आप साल में एक बार जब भी आए तो 1 किलो रस निकाल लें तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा। और आम, आम का मत पूछे कितना खून बनाता है, लेकिन ज़्यादा आम नहीं खाना चाहिए, और खाओ तो फिर दूध भी पियो, ताकि जिस समय दाने वाने निकल आते थे पहले तो वो दाने भी नहीं निकलेंगे। तो अल्लाह पाक सबको दे, खूब खाएं पिएं, 2/1। अगले ब्लॉग तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।